Tell us about your family background, education and higher education. मेरे पिताजी जो हैं पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं, मेरी दो बहनें हैं, एक बहन बीटेक की हुई है और एक बहन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही है, भाई अभी 12th में है। और मेरी जो विद्यालयी शिक्षा हुई है वो प्रारंभिक शिक्षा जालौन और झांसी ज़िले से हुई है, जबकि मेरी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, वहीं से मैंने स्नातक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इकोनॉमिक्स से है और उसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। व्हाट इज योर एम इन लाइफ? मेरे जीवन का लक्ष्य है कि सोसाइटी और इस कंट्री के लिए कुछ सार्थक करना। मुझे अगर अवसर मिला है तो मैं अपने इस अवसर को लोगों की भलाई के लिए यूज करना चाहूंगी। मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, मैंने वीडियो के तौर पर भी अनुभव किया है कि जो हमारा रूरल एरिया है या कुछ बहुत ही डिप्राइव्ड क्लास है, उनके लिए स्पेशल अटेंशन और फोकस की जरूरत है और उनके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। How do you feel after getting success in civil services exam? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास प्रारंभ किया था उसमें मुझे सफलता मिली है। इसके साथ ही मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा। Whom would you like to give credit for your success? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने अगर मुझे असफलता भी मिली अब मेरे पिछले प्रयासों में तो मेरे मनोबल को गिरने नहीं दिया, उसे बनाए रखा। फिर अपने गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और मेरी फैमिली, जिनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा। इसके साथ ही मैं फ्रेंड्स को नहीं भूलूंगी। फ्रेंड्स भी यूपीएससी के क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी सपोर्ट भी आपको करते हैं और हेल्प भी आपको करते हैं। How many attempts did you take to clear the exam? ये मेरा छठा प्रयास था। What is the secret behind your success? मेरी सफलता का मूल मंत्र है कि तो हार्ड वर्क और जो भी आपने एम डिसाइड किया है उसके प्रति आपका डेडिकेशन। अगर दोनों चीजें हैं आपके पास तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। When did you decide to become a civil servant and why? यद्यपि स्नातक में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने मन बनाया था कि मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने रिसर्च ज्वाइन किया इकोनॉमिक्स के लिए, और उसके बाद मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने डिसाइड की थी मुझे उसके लिए जाना चाहिए, और मैंने फिर दिल्ली आके अपनी तैयारी शुरू की 2008 से। और यहाँ पर आके मैंने इनिशियली कुछ कोचिंग संस्थानों से भी मार्गदर्शन लिया और अपनी तैयारी शुरू की। Which aspects did you focus on while preparing for IAS exam? तैयारी के दौरान जो विषय और GS दोनों ही आपकी उनकी समझ और उसमें राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। How much time is required for getting success in civil services exam? अगर अभ्यर्थी को गाइडेंस सही मिलता है तो उसके लिए एक से लेकर दो साल सफिशियंट होते हैं मुझे लगता है। Did you take help from internet? कई ऐसे टॉपिक होते हैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान जिनके लिए आपको अगर मैटर नहीं मिलता है तो हम इंटरनेट की सहायता लेते हैं, और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या फिर जागरण जोश की जो करंट अफेयर्स की साइट है, मैंने इन साइट्स को देखा अपने एक सामान्य अध्ययन के लिए भी, और ऑप्शनल के लिए मैंने गूगल यूज़ किया है। जिस विषय पर मुझे कोई कहीं से मैटर नहीं मिला तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया और कई साइटों का प्रयोग किया है।
what do you think about the current affairs section of jagranjosh.com? मैंने इस साइट को देखा है और जो भी करंट की रिलीवेंट न्यूज़ होती है वो साइट पर मिल जाती है, और किसी भी इकोनॉमी के लिए या पॉलिटी के लिए या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो उस पर जानकारी मिलती है वो काफ़ी उपयोगी होती है। हाँ, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं आपको, जो भी करंट की न्यूज़ है। अगर आपका कुछ दिन का पेपर मिस हो गया है, आपको पुराने मंथ की कोई न्यूज़ चाहिए है जो इम्पोर्टेंट थी और आपसे मिस हो गई है, तो आपको इस साइट पर मिल जाती है। What was your medium while writing exam, Hindi or English? मैंने सिविल सेवा परीक्षा हिंदी माध्यम में दी। Do you think English medium students have an edge over Hindi medium students? मेरा मानना है कि आपके मार्क्स पर माध्यम का बहुत अधिक असर नहीं होता है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि सामग्री की उपलब्धता के संबंध में हिंदी माध्यम में कुछ चैलेंजेस हैं। Tell us about your hobbies and interests. मेरी कोई विशेष हॉबी नहीं है, लेकिन पुस्तकें पढ़ना या फिर संगीत सुनना और कुछ क्या जैसे टीवी पर जो भी डिस्कवरी चैनल से इस तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना या वॉकिंग कर लेना, मतलब खाली समय जो भी है मैं उसे किसी भी तरह से प्रयोग कर लेती हूँ। कोई विशेष हॉबी इस तरह की नहीं जिसे मैं कैरी करती हूँ। Who is your role model? एक व्यक्ति को बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं कहूँ तो आदर्श वाक्य मैं कह सकती हूँ जैसे स्वामी विवेकानंद जी का है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले मत रुको। जब तक हमें अपना एम नहीं मिल जाता है तब तक ना ही हमें अपनी होप लूज करनी चाहिए और ना ही अपनी एनर्जी कम करनी चाहिए। आपको उतनी ही मेहनत से लगे रहना चाहिए। एक बार असफलता मिलती है तो शायद मुझमें कुछ कमी रह गई और हमें नेक्स्ट टाइम उसके लिए फिर से प्रयास करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी।